नाम और परिचय बता दीजिए अपना। डीपी पाल, सीनियर एडवोकेट ट्रैफिक। आज प्रेस वार्ता क्यों रखी गई? क्या सिर्फ इसलिए कि जो इस मामले में जो हत्या हुई है, इसके मामले में आरपी यादव को गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, इसी से अवगत कराने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई। क्या था पूरा मामला? मामला ये है कि वो 9-10 को एक आदित्य की हत्या हुई, और उस हत्या के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने इतने दिनों बाद आरपी यादव को गिरफ्तार किया, जो कि विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, सम्मानित आदमी है, इस तरह का काम करने की उम्मीद उनसे नहीं। किस बैनर के तले ये प्रेस वार्ता की जा रही है? दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा रायबरेली। एक अभी आरोप लगा रहे थे रायबरेली पुलिस पे, क्या थे और ऐसा? निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। इस वक्त ये देखा जा रहा है, जांच से पूरी जो जांच अभी तक चली है, एक जाति विशेष के लोगों के साथ ही हुआ ऐसा। और आगे क्या करेगा संगठन आपका, जो आपकी मांगे हैं? मांगे ना मांग है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे, और जो भी दोषी पाया जाए उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगी संगठन? नहीं करेंगे तो अभी इसका कोई तय नहीं। अभी अयोध्या हाँ अभी अयोध्या ठीक, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, अयोध्या का